नमस्कार दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि CET के रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो चुके हैं। दोबारा से पोर्टल कब खुलेगा या नहीं खुलेगा इस बारे में अभी कोई अपडेट नहीं है। जैसे ही कोई इस तरह की अपडेट आएगी मैं आपको वीडियो के माध्यम से जरूर बताऊंगा। अभी इसके रजिस्ट्रेशन है वो बंद हो चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेबस के बारे में और एग्ज़ाम कब हो सकता है इस बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एग्ज़ाम के बारे में। तो एग्ज़ाम के लिए अभी कोई फिक्स तारीख पता नहीं है कि कब तक इसका एग्ज़ाम हो सकता है। कोई निश्चित तिथि है वो तय नहीं की गई है। अगर कोई डिटेल आएगी, कोई निश्चित तारीख आएगी, मैं आपको बता दूंगा। इसके जो एग्ज़ाम है उसका अनुमान लगा सकते हैं कि अगस्त के अंत तक या सितंबर में इसके एग्ज़ाम है वो हो सकते हैं। तो अगर सितंबर में एग्ज़ाम होते हैं तो आपके पास अभी 1 से 1.5 महीने का समय है तैयारी करने के लिए। अगर आपने थ्योरी की अच्छे से तैयारी कर रखी है, थ्योरी की अगर आपकी तैयारी ठीक है, तो आपको इस 1.5 महीने के समय में अभी जो प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, HSSC का प्रीवियस ईयर का सिलेबस है, उसको आपको रीड करना चाहिए, उसकी आपको तैयारी करनी चाहिए। और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उनको आपको रीड करना चाहिए ताकि आपको है वो पूरी जानकारी और सिलेबस को आप है वो कवर कर पाओगे। तो इसके लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं, कई स्टूडेंट हैं, उनको ये कंफ्यूजन रहती है कि सर हम कौन सी बुक बाई करें, कौन सी बुक है वो सबसे अच्छी रहेगी। तो इसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं वो बहुत ही डिटेल में तैयार की गई है। डिटेल से इसमें है वो सारा जो कंटेंट है वो टाइप वाइज और चैप्टर वाइज है वो कंटेंट समझाया गया है, सरल भाषा में और डिटेल में आपको दिया गया है किरण पब्लिकेशन में। CET का जो सिलेबस है इसे सभी इसके जो सभी सब्जेक्ट हैं सभी सब्जेक्ट की बुक्स आपको किरण पब्लिकेशन मिल जाएगी, जो कि मैथमेटिक्स है, GK है, हरियाणा का GK है और रीजनिंग है और अंग्रेजी हिंदी के जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनकी बुक्स हैं। सारी बुक्स आपकी है वो किरण पब्लिकेशन की बुक है वो आपको मिल जाएगी। किरण पब्लिकेशन की बुक्स हैं, इसमें आपको जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं वो सभी पेपर्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे और सारे पेपर आपको है वो सीरीज वाइज आपको पेपर है वो मिल जाएंगे। तो यहाँ से आप अपनी तैयारी है वो कर सकते हो। किरण पब्लिकेशन की बुक है वो आपको हिंदी में और इंग्लिश में मिल जाएगी। अगर आप इंग्लिश में तैयारी करना चाहते हो, हिंदी में तैयारी करना चाहते हो तो आपको मिल जाएगी। और ये बुक्स हैं आपको मार्केट में अवेलेबल है, मार्केट से आप आसानी से बाई कर सकते हो। अगर आप ऑनलाइन बाई करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, यहाँ से आप है वो बाई कर सकते हो। अब बात करते हैं सिलेबस के बारे में कि इसका सिलेबस क्या आएगा। सिलेबस के बारे में एक बार इसको देख लेते हैं। तो सिलेबस के लिए हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की जो ऑफिशियल साइट है HSSC.gov.in, इस साइट पे है वो लिंक दिया गया है और वहाँ से आप PDF फाइल है वो डाउनलोड करके वहाँ से देख सकते हो। तो वो मैं आपको एक बार स्क्रीन पे है वो दिखा देता हूँ। तो इसके लिए आपको साइट विजिट करनी है HSSC.gov.in, जो ऑफिशियल साइट है ये साइट आपको विजिट करना है। साइट विजिट करने के बाद आपको इस तरह की डिस्प्ले दिखाई देगी। ये होम पेज है साइट का, जो आप अभी डेस्कटॉप पे डिस्प्ले पे आपको दिखाई दे रहा है बैकग्राउंड में, इस तरह की आपको डिस्प्ले है वो दिखाई देगी। यहाँ पे आपको जो भी नई नोटिफिकेशन आती है वो नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगी। अगर आप CET की तैयारी कर रहे हो, CET का पेपर देना चाहते हो, तो आपको सभी नोटिस के बारे में जानकारी है वो होनी चाहिए। जब भी कोई नई अपडेट आती है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। आपने देखा होगा कि CET के बारे में काफ़ी सारी अपडेट आई है, बार बार अपडेट आती रहती है, तो आपको इन सब के बारे में जानकारी होनी चाहिए। सिलेबस के बारे में आपको डिटेल में जानकारी होनी चाहिए। अगर आपको सिलेबस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी होगी तो आप CET में अच्छे से अच्छे नंबर है वो प्राप्त कर सकते हो। तो आपको इस तरह का पेज है वो ओपन कर लेना है, साइट ओपन कर लेनी है और यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करोगे तो आप यहाँ पे आप देख रहे हो व्हाट्स न्यू, यहाँ पे लिंक दिया गया था, अभी ये लिंक हटा दिया गया। मैंने PDF फाइल है वो डाउनलोड कर ली है, तो वो फाइल मैं आपको दिखा देता हूँ। उसमें CET सिलेबस के बारे में और CET से जुड़े हुए काफ़ी सारे टॉपिक्स के बारे में बताया गया है, वो आपको एक बार देख लेने चाहिए। और अगर आप और अपडेट चाहते हो तो यहाँ पे आपको पब्लिक नोटिस जो दिखाई दे रहा है, आप अभी देख रहे हो पब्लिक नोटिस जो मैं आपको इंडिकेट कर रहा हूँ, यहाँ पे जाकर के आपको जो भी नए नोटिफिकेशन आते हैं, नोटिस आते हैं, वो आप यहाँ से चेक है वो कर सकते हो। अभी मैं आपको यहाँ पे PDF फाइल आपको दिखा देता हूँ जो कि मैंने डाउनलोड करके रखी हुई है, फाइल आपको मैं दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, ये PDF फाइल है आप देख रहे हो, तो यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे रिजर्वेशन के बारे में, एज लिमिट के बारे में और यहाँ पे एज में रिलैक्सेशन के बारे में और यहाँ पे काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, जैसे अप्लाई कैसे करना है, एप्लीकेशन फ़ीस कैसी होगी, ये आपको एक बार देख लेना चाहिए। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए। और यहाँ पर दिया गया है
यहाँ पे देखोगे 16 नंबर पे सिलेबस के बारे में दिया गया है, सिलेबस जो कि 17 नंबर और 18 नंबर पेज, जो कि 17 नंबर और 18 नंबर पेज पे है, तो वो एक बार हम देख लेते हैं। आपको अगर इस प्रकार की पूरी जानकारी होगी, इस तरह की पूरी जानकारी होगी, तो आप सीईटी में अच्छे से अच्छे मार्क्स हैं वो प्राप्त कर सकते हो। तो आप यहाँ पे देखोगे 16 नंबर पे ये देख रहे हो, जैसे सिलेबस फॉर सीईटी एंड रिटन एग्जाम जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, यहाँ पे सिलेबस के बारे में डिटेल में दिया गया है, जो कि आप डिटेल में देख लीजिए। मैं एक बार आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से आपके पर्सन है वो पूछे जा सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे दे रखा है जनरल अवेयरनेस, जनरल अवेयरनेस से आपके पर्सन है वो पूछे जाएंगे, इसको आप ध्यान से रीड कर लीजिए। और इसके बाद यहाँ पे रीजनिंग, रीजनिंग के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। यहाँ पे ये दिया गया है क्वांटिटेटिव एबिलिटी के बारे में यहाँ पे आपसे पूछा आएगा, और यहां पे लैंग्वेज के बारे में इंग्लिश लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे, और हिंदी लैंग्वेज से आपके पर्सन है वो पूछे जाएंगे। और यहां पे जनरल नॉलेज ऑफ स्टेट यानी कि हरियाणा के जनरल नॉलेज के बारे में क्वेश्चन है वो आपसे पूछे जाएंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस विच इंक्लूड्स हिस्ट्री, लिटरेचर, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, सिविक्स, पॉलिटी, इन्वायरमेंट, आर्ट, कल्चर, कस्टम, नॉर्म्स, सोसाइटी, करंट अफेयर्स, इवेंट्स आदि ऑफ हरियाणा। तो यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हैं वो इनसे पूछे जाएंगे, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। तो इसको एक बार आप ध्यान से देख लीजिए, और ये सारे टॉपिक आपको क्लियर कर लेना है, ये सारा सिलेबस आपको क्लियर कर लेना है। प्रीवियस ईयर के जो सिलेबस है HSSC का वो आपको कम्प्लीट कर लेना है, और प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कम्प्लीट कर लेने हैं, तो आपको इसमें काफ़ी हेल्प मिलेगी। और हम उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे अंक प्राप्त करोगे सीईटी के अंदर। हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि आप सभी हैं वो अच्छे अंक प्राप्त करें सीईटी में। आपको अगर सीईटी के रिगार्डिंग कोई जानकारी चाहिए, कोई हेल्प चाहिए, तो आप हमारे को कमेंट कर सकते हो। अगर आपको सीईटी के बारे में कुछ जानना है तो आप मेरे को कमेंट में लिखिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी हेल्प करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है, हेल्पफुल है, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। वीडियो पूरा वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।